गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नस्ती माय वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बड़ौदा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आप वीडियो में देखिए। हाय पैट्रिक, इज्जत के कचे। हाय हाय, कौन दे मैं नहीं दिखता तेरा। हाय नीचे कर। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन से फेस तो नहीं लिया। गुड। सो गाइस, हम मूवी देखने के लिए आ गए हैं और आगे मूवी में क्या क्या देखते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए, इंजॉय भी कीजिए। खाने अंदर नहीं आ रहा दिया बेइज्जती हो गई। भूख लगी, खाना इम्पोर्टेंट है, मूवी देख लेंगे फिर। ऐसा बाद में भी आ जाएगी, ये तो कह लिया हम जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। पेट पूजा फिर काम दूजा। अबे वेलकम टू द आईएसआई। तुम्हारे एक्स बॉस शेनॉय का एक फेवरेट सवाल याद आ रहा है। कीजिए मैम, टाइगर अभी भी जिंदा है लेकिन थोड़ी सी परेशानी होंगी। जब असल काम आए तब मैं खुद आपके कांटेक्ट में आऊंगा। और तब तक तुम क्या करोगे? बस वही जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, टाइम पास। मेरी वीडियो बनाऊंगी तो मैं डाल दूंगी। नहीं पता, इन और बीट में तो लूट। जाएंगे ना अपने, बराबर खाई हो मेरा दीदी। अब एक को नहीं मिली। जगह ही कैसा खाया तूने, ये क्या करा? उदयपुर वासी ऐसा खाएंगे। सो गाइज, हमारा इनोर्बिट का पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट
बाय। ये हमारी माइंड है। हेलो बाय 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 टाटा बाय। नहीं जो मैं आ रही हूँ। अरे वाटर पार्क भी है यहाँ पे। ये रात का है ना जी। बोल हम और ब्लॉग ना इसको बाथरूम में सेल्फी लेनी थी। बाथरूम में सेल्फी लेनी थी। ये चक्कर आके मैं गिर वीर गई तो चलो चलो। हाँ पैडल बोट या मोटर बोट। अरे अपना अलग मोटर बोट ना वीडियो है कि पैडल वाली भी। ओ पैडल और पैर दुख जाएंगे पैडल में। मोटर 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 पूछने प्राइस मोटर बोट ना कितना है। पैडल बोट का एक जन का 60 रुपए। एक जन का 60 रुपए। और कितने जन बैठ सकते हैं उसमें। दो जन की चार जन की। और मोटर बोट। मोटर बोट की 60 रुपए। 60 रुपए। और उसमें कितने जन बैठ सकते हैं। हो जाएगा सर। चलो एक जन के कितने। सो गाइस ये लेग जोन है और यहाँ पर जो राइड्स है और सारी जो कुछ भी है मैं आपको वीडियो क्लिप में बता रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पर बोटिंग का भी ऑप्शन है। सो गाइस हम लोगों ने राइड तो नहीं की क्योंकि हमें एक और प्लेस पे जाना था इस वजह से। तो यहाँ पर जो कुछ भी है लेग जोन में मैं आपको बता रही हूँ आप देख सकते हो। मेरे को देख के डर जाएगी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। और मेरे को भी पढ़ना मेरे बाल भी बड़े पढ़ के अच्छे से भुगना चलो। मैं ब्लॉगिंग ये ब्लॉगिंग बोलने लग गई। और मेरी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करो। एक में चार वाली भी है दो जन अलग कपड़े चार अलग अलग ये तो कौन से बैठ रहे अपने पैडल के। फिर वो बाप तो डूब गए तो वो बैग रखो बैग रखो मेरा बैग। हाँ ये देखो ये सब पहनना जरूरी भले मैं ढह जाऊँ इन लोगों के चक्कर में। भैया एक और हो अच्छा देना सेफ भाई। ये क्या है लिया मेरा कलर सबसे हटके ऐसे लटका दे एक साइड कर दे बस। ये पर्स की भी रामायण करने की होती है तो हाँ देखो मैं तो कितनी सब लड़कियों का काम किया तो मैं भी तो लड़की हूँ ना लड़का थोड़ी हूँ। लॉगिन का कंटेंट बढ़ाती इसका। ऑफ कोर्स अब वेलक्रो का वाला इसमें थोड़ी पैडल वाले में है। किसने मोटर का किया। मैंने किया मोटर पैडल वाले में। किसने किया मोटर। ओ छह भी है ना पैडल में है। क्या करना है चल मेरे साथ कौन बैठ रहा है। मोटर बोट ली है चेंज करने का बोल रहे हाँ तो 200 रुपये डिपॉजिट दे दो।
कुछ क्या नहीं मतलब? वो रिटर्न में आपको वापस मिल जाएगा, 20 मिनट का टाइम होता है, 20 के 20 मिनट के आप ना आते। अरे भाई ये तो है, कहां 200 रुपए निकाल अभी, तो हमारे 500 रुपए तो ऑलरेडी उसमें भर गया हुआ है, उसमें से काट दो, काट दिया है ना सीधी डिपॉजिट, पैसे तो वहां पे डिपॉजिट, इधर रिपोर्ट तो देना पड़ेगा आपको, कैंडल वाली चाहिए डिपॉजिट, हम बोर्ड लेके भाग जाएंगे ना, अरे नहीं होगा टाइमिंग हो जाए उसका, वापस ही मिल जाएगा, वापस ही मिल जाएगा, किलो लेने का है, वापस ही लेने का, 200 रुपए वापस दे दोगे? हाँ। गाइस मैं मोटी हूँ, इन लोगों को प्रॉब्लम थी तो इन लोगों ने मुझे पैडल मारने बिठा दिया, माइनस हैंडल पर बस, और वो तो आ रहे हैं गाइस, हमको एक्सरसाइज करते बिठा दिया यहाँ पे, थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए, ओ नहीं नहीं चला माइनस का गिर गए तो माइनस मत सुनना मत मेरी बकवास, मुंह मेरा दे दे, ए बस इधर निकलो, ओए पलटा पलटा माइनस, उनके पीछे जा, उनके पीछे उसके लिए कहते थे मोटर में बैठ जाओ 20 मिनट को तुम्हारा पापा चलाएगा ये तो अच्छी महारानी बस कितने बारे किलो वेट कम हुआ होगा, ये अच्छी खासी कैलोरीज कम, खाली पैरों की हाथों की नहीं, हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को लाइक कीजिए प्लीज गाइस, सपोर्ट हर चैनल, और आएंगे हम घूमने बोट में, आपको और ऐसी अच्छी अच्छी नई नई जगह दिखाते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, चलो जाने दो इनके पास, ले पूरी वीडियो ले अपने आमने सामने सामने, ओ ये वीडियो आप ही, हम दोनों की हालत पतली हो गए, हम पतले हुए कि नहीं हुए वो नहीं हमें नहीं पता, विल काउंटर कैलोरीज कितनी बर्न की हुई है, और भैया कहाँ घुमा रहे हमको, अरे वो लगाएगा ना किनारे पे हमारी नैया, हमारी नैया किनारे पे लगाई है, 5 मिनट्स दिए तो भैया जानते हमको बचपन से इतना झूठ भी नहीं बोलते माइनस को जान लो, तू पहले मत उतर, तू पहले मत उतर, धीरे हो धीरे मैडम, और बुरखा नहीं फंसा जाए, माइनस ले चला जा, ये नाइट लुक है यहाँ का, मेरे को इस पे जाना था वहाँ पे ऊपर वाले पे, वो झूल नहीं वो तो वहाँ पे झूल गया थी, स्वेटर बहुत अच्छे मिलते, सो आप लोग अगर बड़ोदा में जाते हो या बड़ोदा में होते तो जा सकते हो, एंड गाइस इसके सामने हम लोग जाने वाले हैं, जो आप आगे वीडियो में देखना, मैं एडवांस नहीं बताना चाहती, आप आगे वीडियो में रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये इसका व्लॉग है, किसके लिए ले रही है
पर वाला है ना वो सामने है चलो पानी पी ले बॉटल वहाँ पर होगा वहाँ है माइनस माइनस हो रहा कितनी है की टिकट ये तो उन्हें कहाँ हैं कहाँ जाना सो गाइज यहाँ से एंट्री होती है और इस तरह से मतलब ये जो जाते जा रहे हैं हम एक्वेरियम की तरफ तो यहाँ पर सारे पोस्टर लगाए तो आप चाहो तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हो मैंने सिर्फ ब्लॉग पे शूट किया है फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक नहीं किए सो यहाँ पर देख सकते हो आप बड़े बड़े बैनर है फिश के तरह तरह की फ़िश और एक्वेरियम में बहुत प्यारी प्यारी फिश है तो अगर आप जाना चाहो तो ज़रूर जाना बहुत अच्छी जगह है और बच्चों को तो बड़ी मज़ा आने वाली कलरफुल फिश देख के और सारी फिशें देख के मतलब एकदम तो इन्जॉयमेंट लगता है सो आप जा सकते हो बट संडे के दिन ना जाए तो बेटर है क्योंकि संडे के दिन इतनी पब्लिक रहती है कि हम लोगों को सही से देखने ही नहीं मिला इतनी पब्लिक थी इतनी भीड़ थी कि सही से वीडियोस वगैरह भी नहीं हुए खड़े रहने की भी जगह नहीं थी तो हो सके तो आप मतलब संडे को ना जाए ऐसे दिन जाओ तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी फिश के पोस्टर लगे आप चाहो तो क्लिक करिए और आगे तो एक्वेरियम में आपने देखनी है फिश सो वीडियो में कंटिन्यू रहिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ तो रहो फिर भैया हेलो हेलो मैं आपको फटाफट से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड लोग थे वो ज़्यादा खड़े रहने नहीं दे रहे थे पीछे से सीटी बजा रहे थे चलो 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 सो ज़्यादातर ठीक नहीं हुई पब्लिक भी थी एक एक्वेरियम के ऊपर तो हम लोग ज़्यादा देर तक सूट नहीं कर पाए बट आप देख सकते हो जो कुछ भी सूट किया आप घर बैठे तो इन्जॉय कर ही सकते हो
मीन्स आपको इसके अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि आप अंडर वाटर हो और वाटर के अंदर या कि समुद्र के अंदर या नदी के अंदर आप चल रहे हो, आपको ऐसा फील होगा सरफेस आपके ऊपर होगी और आसपास होगी, यार कितना प्यारा फील होता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, लाइव तो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर एक बार आप ट्राई करना, एक बार विज़िट करना, सो बड़ा मज़ा आएगा। बट फ्रेंड्स हम लोग संडे के दिन थे इस वजह से इतनी पब्लिक थी कि हमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी, मतलब पैर क्या मैं फ़ोन तक नहीं अपना चला पा रही थी। सो इतनी पब्लिक होने के बाद मैं देखिए किस तरह से सूट कर रही हूँ, सबके सीआर यार। सो आप ट्राई करना क्या आप संडे के दिन ना जाएं, आप मतलब ऐसे दिन जाएं तो आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से अच्छे से विज़िट करने मिलेगा एक्वेरियम को, फिश को। सो यू नो ट्राई। सो हम लोगों ने देखा है कितनी प्यारी प्यारी फिशेज, छोटी छोटी से लेके बड़ी से लेके हर तरह के फिश यहाँ अवेलेबल, और ये जो कलरफुल लाइट जल रही है ना, वाह इतना प्यारा लग रहा है, आप देखिए। सो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि स्क्रीन चल रही नहीं बट ये लाइट था। पार्टीशन किया हुआ था जिससे आगे जाकर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इस तरह से पार्टीशन किया था, सब कुछ अलग अलग तरह से रखा गया था। फ्रेंड्स इतनी पब्लिक इतनी भीड़ थी, मुझे लग रहा था फिर भी हम लोगों को देख के डर नहीं, इतनी क्राउड था, इतनी पब्लिक थी। तो देख सकते हो आप कितनी प्यारी प्यारी फिश है ना। सो गाइज हम वहाँ से निकलते हैं, उसकी एंट्री फी 100 रुपीज़ है एक्वेरियम की, फिर वहाँ से हम निकलते हैं। सो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, मतलब सारी शॉप लगी हुई, स्टॉल लगी, अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आती है राइड्स, और फिर राइड का आप इंजॉय करिए, खाने के स्टॉल्स होते हैं, खरीदी के स्टॉल होते हैं, बड़े इन्जॉयमेंट है। सो एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है वहाँ जाकर। देखो जम रहे फटाफट चलो, चलो झूलों पर भी जाए यार, बहुत लेट हो। ये भी मैं मम्मी को लेके आऊंगी, मतलब फैमिली के साथ मैं कार चला।
कुछ नहीं पसंद है। अब तो पैरों ने जवाब दे दिया। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे फ्रेंड्स के साथ का ट्रिप पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ऐसे ट्रिप्स और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।